के अवसर पर देश बचाओ देश पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे शामिल सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया, उसी पर आज पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्देश दिया है, ये क्रांति दिवस के रूप में देश बचाओ और देश बनाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज ये कुशीनगर जनपद में उन्हीं के निर्देश के अनुसार यहाँ हो रहा है। आज ही से अब हम लोग जुर्म के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के खिलाफ जो गलत कार्य होगा उसके लिए हम लोग अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। ये देश बचाओ देश बनाओ, अब ये गांधी जी ने तो कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन हम लोग भारत छोड़ने के लिए भाजपाइयों को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि गद्दी छोड़ो, देश बचाओ और गद्दी छोड़ो, भाजपाइयों गद्दी छोड़ो, ये नारा हम लोगों ने दिया है और इसको पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। जुर्मों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार ने कार्य किया है उसको सबको बंद कर दिया है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, इनके कुरीतियों का विरोध करने के लिए आज हम लोग क्रांति दिवस मना रहे हैं। 5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है और 3 साल के अंदर भारत की सरकार ने जो भी वादा किया था जनता के बीच उसे पूरा नहीं किया। आज हम लोग सड़क पर क्रांति दिवस मना करके जनता को जगा करके उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने वाली और केंद्र में झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने का काम किया। ये कहना है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उससे ज़्यादा लोग काम करके दिखा रहे हैं। कुशीनगर तो ऐसे ही दुर्भाग्यशाली है कि इस जिले में एक बार प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, एक बार मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, लेकिन कुशीनगर जिले को एक पैसा न प्रधानमंत्री ने दिया न मुख्यमंत्री ने दिया। कुशीनगर जिले में जो भी बड़ा काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है, चाहे जिला बनाने की बात हो, चाहे भाड़ा में चीनी मिल लगाने की बात हो, चाहे खड्डा कप्तान को तहसील बनाने की बात हो, चाहे नदियों पर बड़ी बड़ी पुल लगाने का बनवाने का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या बहुजन की सरकार रही हो, किसी ने कुशीनगर जिले के लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं, इससे बड़ा कोई काम करेगा तब समाजवादी पार्टी से मुकाबला।